हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट नामा। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक नया निवेशक है, आप एक बिगनर है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सभी सभी चीज़ों का, सभी जो बेसिक जो नॉलेज होता है शेयर मार्केट का, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आखिरी तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, अगर आप एक नया निवेशक है, आप एक बिगनर है, तो वो है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट, जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आता है और वो उसी में रहता है। और ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप किसी कंपनी का शेयर आप बाई और सेल करते हैं, जब आप खरीद बिक्री करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं शेयर का, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। और ये दोनों, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, एक ब्रोकर के यहाँ खोला जाता है। हमारे देश के लगभग सभी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस भी आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिगनर के लिए, एक नए निवेशक के लिए कौन सा डीमेट अकाउंट और कहाँ पे डीमेट अकाउंट खोलना अच्छा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बताऊँगा। और उसमें यह भी बताऊँगा कि मैं कौन सा डीमेट अकाउंट यूज़ करता हूँ। तो दूसरा, अब आपके पास डीमेट अकाउंट है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि पहला शेयर कौन सा हो आपका, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा कंपनी का पहला शेयर ले आप और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये सभी के मन में आता है। सभी निवेशक जो स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, उन सभी के मन में ये सवाल आता है, और ये सवाल मेरे मन में भी आया था। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अपने घर में देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, आपको कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, आपके घर में कौन सा कंपनी का सबसे ज़्यादा सामान यूज़ होता है, आपके घर में कौन सा बिस्किट आता है, किस कंपनी का बिस्किट आता है, आपके घर में बच्चे कौन से ब्रांड का चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया हो सकता है। अगर तभी भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, इनमें से आप किसी एक को अपना पहला शेयर चूज़ कर सकते हैं। तीसरा, रिकमेंडेशन से दूर रहना। आप एक नया निवेशक है, आप एक बिगनर है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा शेयर अच्छा है, आपके लिए कौन सा कंपनी का शेयर अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सके, तो ये आप जानना चाहते हैं, ये आपके मन में जानने का लालसा रहता है कि आपको कोई आके बता दे कि कौन सा शेयर आपके लिए अच्छा है। तो आप बिजनेस न्यूज स्टार्ट करते हैं देखना, अब वहाँ पे जो एनालिस्ट रिकमेंड करता है उसको आप फॉलो करते हैं, या आप आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एनालिस्ट रिकमेंड करता है कोई शेयर को खरीदना, तो आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो करते हैं। तो कभी भी रिकमेंड, अगर आप एक बिगनर है तो कभी भी रिकमेंडेशन के पीछे मत भागिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लॉस हो सके, ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो एनालिस्ट हो सकता है कि एक अच्छा शेयर वो एडवाइस कर रहा हो, रिकमेंड कर रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप एक नए निवेशक है, क्योंकि आप एक बिगनर है, क्योंकि आपके पास बहुत छोटा अमाउंट है निवेश करने के लिए, तो आप वहाँ पे लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो एनालिस्ट है वो जो शेयर एडवाइस कर रहा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, या वो इंट्राडे के लिए हो, तो आपको तो बेसिक नॉलेज है नहीं शेयर मार्केट का, तो आप वहाँ पे लॉस कर जाइएगा। इसलिए कभी भी रिकमेंडेशन के पीछे मत भागिए, यहाँ पे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। चौथा, आपने जो पहला शेयर खरीदा था उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप खुश मत हो जाइए, आप ये मत सोचिए कि आप तो बाजीगर है शेयर मार्केट का, आप तो सब कुछ जान गए, आपने पहला ही शेयर जो खरीदा है उसमें आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो इस उतावलेपन में, इस उत्तेजना में आप जो मन आया वो शेयर मत खरीद लीजिए। इससे आप सीखिए कि आपने किन बातों का ख्याल रखा था जब आपने इस शेयर को खरीदा था जिसमें आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो शेयर आपने पहले खरीदा है पहला शेयर, उसमें आपको लॉस देखने को मिला है, तो आप निराश मत होइए, आप पैनिक मत कीजिए, और आप ये मत सोचिए कि शेयर मार्केट सच में जुआ है। आप इससे भी सीखिए कि आपने क्या गलतियाँ की थी इस शेयर को पिक करने में, और इससे आपको अनुभव होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और यही अनुभव आपको आगे काम आएगा शेयर मार्केट में। पांचवा, हमेशा सीखते रहिए। हो सकता है कि आपने जो पहला शेयर खरीदा हो वो हाई वैल्यूएशन पे खरीदा हो,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई वैल्यूएशन लो वैल्यूएशन क्या होता है? आपका तो इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि आप एक नए निवेशक है, क्योंकि आप एक बिगनर है, तो आपको हाई वैल्यूएशन के बारे में तो कुछ पता होगा नहीं, रहता नहीं है। कि बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता ये हाई वैल्यूएशन लो वैल्यूएशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप रिलायंस, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, SBI, चाहे ICICI बैंक, इन्हीं में से चाहे ऐसा ही कोई पहला शेयर आपने खरीद रखा हो जो हाई वैल्यूएशन पे हो, तो हो सकता है कल हो वो शेयर गिर जाए, तो आप ये सोचेंगे कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना इन्वेस्ट स्टार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो फिर भी ये क्यों गिरा? तो क्योंकि वो हाई वैल्यूएशन पे होता है, इसलिए गिरता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे कि ये वैल्यूएशन वैल्यूएशन क्या होता है, हाई वैल्यूएशन क्या होता है, लो वैल्यूएशन क्या होता है, तो आप ये सब सीख सकते हैं। तो दुनिया के जो बड़े बड़े निवेशक हैं, या वो वॉरेन बफेट हो गया, या वॉरेन बफेट के गुरु हो गए, उनसे रिलेटेड आप किताब बुक पढ़ सकते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या हमारे हमारे देश भारत में ही बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, राधा कृष्ण दमानी हो गए, उनसे रिलेटेड आप बुक पढ़ सकते हैं, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड आप बुक पढ़ सकते हैं, या आप शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं, या शेयर मार्केट से रिलेटेड आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, थोड़ा बहुत आप कुछ सीख जाए। ऐसे भी अगर आप नहीं भी अगर आप ये न्यूज़ अगर आप नहीं भी देखेंगे, नहीं भी आप सीखेंगे, तो आप अपने नॉलेज से तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप पहले ही थोड़ा नॉलेज प्राप्त कर लें। छठा, बेसिक रूल ऑफ शेयर मार्केट। आप एक नए निवेशक है, आप एक बिगनर है, तो आपको पहले ही से ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट का बेसिक रूल क्या है, शेयर मार्केट का बेसिक है क्या। बहुत से निवेशक को ये पता नहीं होता है, और मुझे भी ये पता नहीं था जब मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो आप अपने अनुभव से तो सीख ही जाएंगे, लेकिन आपके लिए ये अच्छा है कि आपको पहले ही से शेयर मार्केट का बेसिक जो रूल होता है वो पता हो। बेसिक रूल क्या है? तो बेसिक रूल है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अपने शेयर में, आपको सेक्टर का एलोकेशन करने आना चाहिए, आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने आना चाहिए। ये सब बेसिक रूल है जो आपको, अगर आप एक नए निवेशक हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। सातवां, डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 है और आपने एक अच्छा शेयर भी चूज़ कर लिया है, पिक कर लिया है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या आप 10,000 एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे? तो ये एक सही अप्रोच नहीं है, ये एक गलत अप्रोच है, और हो सके कि अगर मार्केट डाउन हो तो आपका पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पोर्टफोलियो बनाइए शेयर का, पाँच पाँच शेयर का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 7 शेयर का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 10 शेयर का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपको कितने पैसों को मैनेज करना है, उसके ही अकॉर्डिंग आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 10,000 है, तो आप पाँच शेयर का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और पाँचों में पैसे को एलोकेट कर सकते हैं। हो सकता है उसमें कि दो कंपनी डूब जाए, दो कंपनी खराब करे, तो तीन कंपनी उसमें अच्छा कर सकता है। हो सकता है कि तीन कंपनी अच्छा हो और दो दो खराब कर रहा हो, तो आपका रिस्क जो है इसमें, रिस्क आपका कम हो गया है, रिस्क बट गया है। हो सकता है कि आपको एक कंपनी खराब करे तो दूसरे में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो आपका वो पैसा सेफ हो जाए। इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी आपके पास पैसा है वो यहाँ पे आप आएंगे और गवा जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप वो पैसा को FD में इन्वेस्ट कीजिए, या कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, या सेविंग अकाउंट में ही उस पैसा को रखिए, क्योंकि आप रातों रात शेयर मार्केट में अमीर नहीं हो सकते हैं। अगर आप इस पर्पज से यहाँ पे आएंगे कि रातों रात मुझे अमीर होना है, या रातों रात अमीर होना है, तो आप यहाँ से पूरा कंगाल होके जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट एक जुआ है, यहाँ पे किस्मत ही काम करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शेयर मार्केट में आइए तो लॉन्ग टर्म के अप्रोच से आइए, तो आप यहाँ पे बहुत पैसा बना के जाएंगे। और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक जो हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए या राकेश झुनझुनवाला सर हो गए, उन्होंने भी कहा है, ट्रेडिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। तो ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, आपको जब भी करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और आप तो एक नए निवेशक है, आप तो एक बिगनर है, तो आप ट्रेडिंग के लिए तो सोच भी नहीं सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। नौमा, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए
अच्छी एजुकेशनल डिग्री होनी ज़रूरी है, या अच्छा फाइनेंशियल डिग्री होना ज़रूरी है, या आपके पास कोई फाइनेंस का डिग्री होना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी कोई फाइनेंस का डिग्री नहीं है और मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर एक समझ होना ज़रूरी है, आप बिजनेस को कितना ज़्यादा समझते हैं। क्योंकि आप किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हैं, आप उसके बिजनेस में भागीदार होते हैं, आप उस कंपनी के बिजनेस में आप पार्टिसिपेंट होते हैं। तो जब उस वो कंपनी अच्छा करता है तो आपका रिटर्न अच्छा होता है, जब वो कंपनी खराब करता है तो आपका रिटर्न खराब होता है। 10वां, लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। शेयर मार्केट में बहुत सारे मल्टी बैगर शेयर हुए हैं, और आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल, आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले 100 रुपया और 1,000 रुपया आज लाखों में और करोड़ों में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसा हुआ है। इसलिए अगर आपके पास एक छोटा सा भी अमाउंट है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 है, मान लीजिए आपके पास 10,000 है, तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 10 साल 20 साल के लिए आप उस पैसे को भूल जाइए। अगर आपने अच्छा शेयर पिक किया होगा तो आज से 10 साल और 20 साल बाद वो 1,000 लाखों में और 10,000 करोड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आपको अच्छा शेयर पिक करना होगा। तो आप शेयर मार्केट में बहुत पैसा बना सकते हैं, और ऐसा पहले भी हुआ है। तो आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंस होना, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, मगर मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अपने एक्सपीरियंस, जो भी मैंने सीखा है, वो आपसे शेयर करूँ और आपको समझा पाऊँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।